अपने जीमेल अकाउंट से आप कितनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, कभी सोचा है? लेकिन आज मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि किसी ने सोची ना होगी। जाने अनजाने में कहीं भी किसी के फोन या कंप्यूटर में आपने अपना अकाउंट लॉगिन किया हो और उसे साइन आउट करना भूल गए हो, तो वो आपकी बैंड बजा सकता है। अगर देखना है कि आपकी ईमेल आईडी किस किस डिवाइस में लॉगिन है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहां से आप क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, सभी जानेंगे। क्रोम ब्राउजर के डेस्कटॉप वर्जन में अगर टाइप किया जाए गूगल डैशबोर्ड, तो एंटर करने के बाद सीधा पहुंच जाएंगे लॉगिन किए हुए अकाउंट के डैशबोर्ड में। अकाउंट के अंदर डेटा प्राइवेसी पर क्लिक करके भी यहां तक पहुंचा जा सकता है, बट ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। यहां पे सब कुछ देखने और जानने के बाद आपको महसूस होगा कि आपको खुद अपने बारे में इतना नहीं पता जितना कि गूगल को पता है। सबसे पहले यूट्यूब वीडियोस, प्लेलिस्ट, किन किन को सब्सक्राइब किया हुआ है, कहां कहां आपने आज तक क्या क्या कमेंट किए हैं, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ। राइट साइड में जीमेल, इसमें इनबॉक्स, सेंट ईमेल, ड्राफ्ट, सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। नीचे आओगे तो ड्राइव, ड्राइव पे जितना भी डेटा है लाइक फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, यहाँ से सब कुछ डाउनलोड किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। और एक बात कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उनकी फोटो गैलरी में से ऑटोमेटिक सिंक टर्न ऑन रहता है और सारे फोटोज वीडियोज ऑटोमेटिकली ड्राइव पे अपडेट होते रहते हैं। जिसको भी इसके बारे में नहीं पता था, चाहे तो वो उसे चेक करके टर्न ऑफ कर सकते हैं। फिर है मैप्स, ये तो सबका बाप है, इस पे तो 2 मिनट बाद आऊंगा एंड थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। नीचे कैलेंडर में जितने नोट्स या फिर डेट को मार्क किया है, रिमाइंडर्स वगैरह सब कुछ देखा जा सकता है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो अदर गूगल सर्विसेज, यहाँ दिखेगा अगर ये अकाउंट कहीं एडसेंस या फिर किसी वेबसाइट से अगर लिंक है तो। इसी तरह बुक्स और क्रोम ब्राउजर की सारी हिस्ट्री, जितने भी बुकमार्क आपने आज तक बनाई है, जितने भी एक्सटेंशंस को इंस्टॉल किया है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देगा एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड इट। फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो दिखेगा कॉन्टेक्ट्स, यहाँ पे आप सभी कॉन्टेक्ट्स को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ड्यू टू प्राइवेसी रीजन मैं यहाँ पे आपको ओपन करके नहीं दिखाऊंगा। राइट साइड में गूगल प्ले स्टोर, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आज तक आपने इस अकाउंट से कितनी सारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया है। नीचे 2-3 और भी ऑप्शंस हैं, चाहे तो उन्हें भी चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं मैप्स पे। यहाँ अगर आप राइट साइड में स्वाइप करके टाइमलाइन पे क्लिक करोगे तो इस मैप में दिखाएगा आपकी आज तक की लोकेशन, जहाँ जहाँ भी आप गए हो, किस दिन, कितने बजे, बाइक या फिर कार में एंड कितनी स्पीड से। जाहिर सी बात है आपको खुद इसके बारे में याद भी नहीं होगा, लेकिन गूगल को सब पता है। जब से इस ईमेल आईडी को आपने अपने फोन में लॉगिन किया है, तब से ये आपकी लोकेशन को ट्रैक करता रहता है कि आप कहाँ कहाँ गए। एक बात तो साफ है कि इतना सारा पर्सनल डेटा अगर किसी और के हाथ लग जाए तो मिसयूज करने की कोई लिमिट नहीं है। अब करना क्या है वो सुनो। डैशबोर्ड में मैंने ये आपको जितने भी ऑप्शंस दिखाए हैं, अगर आप चाहें तो इनसे डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद भी डिलीट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, या फिर अगर आप चाहें तो इन सर्विसेज को टर्न ऑफ कर सकते हैं। दूसरी बात, अकाउंट में जाके लेफ्ट साइड में सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा रिकवरी फोन नंबर एंड ईमेल, कंफर्म कर लेना। देन थोड़ा सा नीचे योर डिवाइसेस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी डिवाइसेस में आपका ये ईमेल अकाउंट अभी करंटली लॉगिन है, उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इनमें से जो भी आपको अननोन लगे उस पे क्लिक करके साइन आउट कर सकते हैं। साइन आउट के राइट में है फाइंड डिवाइसेस, यहाँ जाके आप उसे रिंग कर सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं अगर उस डिवाइस में लोकेशन सर्विसेज ऑन है तो, एंड ऑल्सो यू कैन इरेज ऑल डेटा। यहीं से सिक्योरिटी टैब में ही नीचे आओगे तो यहाँ पे मिलेगा पासवर्ड मैनेजर, इसके अंदर आपको सभी अकाउंट्स और वेबसाइट्स की जितने भी पासवर्ड्स को आपने सेव किया है उन सभी की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन सभी को डिलीट कर देना, पासवर्ड्स को कभी भी सेव करके मत रखा करो बिकॉज इट्स रिस्की। प्राइवेसी के लिहाज से मैं आपको 2 टिप्स और देना चाहूंगा। 2-स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा ऑन रखना एंड हैकर्स हमारे अकाउंट्स को आखिर हैक कैसे करते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो को जाके जरूर देखना। आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके बताना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।